तो आइए आज जो है इसी चैप्टर का व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1-2 कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। डू यू थिंक इंडियन फिल्म्स हैव सर्टेन बेसिक वीकनेस, क्या आपको लगता है कि निश्चित ही इसका, क्या भारतीय फिल्म, आपको लगता है कि क्या भारतीय फिल्म में कोई बेसिक, ठीक है, बेसिक कमजोरियां हैं। नीचे ही इलस्ट्रेट योर आंसर अपने जवाब के द्वारा वर्णन करें, इसे बताएं। सीविंग एग्जांपल्स फ्रॉम द फिल्म यू हैव सीन, और उससे एक उदाहरण दें जो इस तरह के फिल्मों की जो जिसे आपने देखा, ठीक है, जिसे आपने देखा है उस तरह के फिल्मों की एक उदाहरण भी दें। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। टुडे इंडियन फिल्म लॉस्ट देयर बेसिसिटी, मूल आधार जो है वो अपना खो दिया है भारतीय फिल्म ने। दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड ओरिजिनली, ओरिजिनली दे आर मोस्टली द कॉपीज, मोस्टली कॉपीज ऑफ वन एनदर, वह ज्यादातर जो है एक दूसरे का नकल करती है। वन एनदर दे इवन कॉपी द स्टाइल एंड सीनरी, दे ऑल हैव लेफ्ट, ऑल हैव लेफ्ट देयर इंडियन एडियम्स इसके बाद से कहते हैं सत्यजीत रॉय, आई हैव सीन अ फिल्म Dawn, the film has no thought, no thought to be considered, इसे विचारधाराएं नहीं की गई हैं। देयर आर टू फिल्म्स मेड, इस तरह के दो फिल्में बनाई गई हैं इन द सेम नेम, इन द सेम नेम, एक ही नाम के दो फिल्में बनाई गई हैं।
द सेकेंड वन द सेकेंड वन इन द मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट ऑफ इट्स पार्ट्स इन द कॉपी ऑफ द फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट वन ठीक है. दूसरा जो है पहला से कॉपी कर लिया गया है एंड व्हाट इज रेस्ट लेफ्ट इन इट. इसमें आप बचा ही क्या. इट इज द कॉपी of some other film or iconography iconology I have seen several such Indian films. ऐसे हमने अनेकों फिल्म भारतीय फिल्म देखी है. Thus, अतः It can be said that Indian films have basic weakness. अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय फिल्म में बेसिक वीकनेस है. तो ये आपका रहा थ्री नंबर का आंसर ठीक है. इसे आप लोग जो है पहले नोट करेंगे. तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फाइव. इसके बाद से क्वेश्चन नंबर फोर हम लोगों को पढ़ना है. पहले थ्री हो गया अब फोर में कहता है कि व्हाट इज द मोस्ट डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन फिल्म. भारतीय फिल्म में सबसे अधिक बनाई जाने वाली फिल्म जो है वो क्या है और इससे क्या असर पड़ता है इसके बारे में पूछ रहे हैं ठीक है. तो लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर. The most dominant influence on Indian film, Bhartiya films. Is the every passing phase of the of
अमेरिकन सिनेमा? दी स्टोरीज, दी स्टोरीज हैव बीन रिटन, हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेसर। एंड क्लिंचेज, क्लिंचेज preserve the care with care, where the story has been जेन्युइनली इंडियन वन देयर ऑल्सो द बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक has an irresponsible trend for the jazz idiom, for the jazz idiom। तो चलिए ये आपका रहा फोर नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसमें और एक दो क्वेश्चन आ जाता है जिसे हम लोग फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे। और जो मेरे में चैनल पे नए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक बटन दबाना ना भूलेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन बटन दबा देंगे। और चलिए कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे जरूर बताएंगे कि आपको जो है इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं या आप बिल्कुल बढ़िया से समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज तक इतना ही।